हरियाणा के अंदर जो हरियाणा सरकार ने कुंवारों के लिए पेंशन यानी कि अनमैरिड पेंशन और विधुर पेंशन जो घोषणा की गई थी उसका ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। नियम और शर्तें सारा कुछ आ गया है, किसको पेंशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, और जो तलाकशुदा हैं क्या उनको पेंशन मिलेगी, इस पर भी बड़ा खुलासा किया गया है। पूरी जानकारी देखिए इस वीडियो में मिलेगी आपको, कैसे आवेदन होगा कैसे आपको ये पेंशन मिलेगी, देखिए डिटेल में। हरियाणा में कुंवारों को पेंशन हर महीने मिलेंगे 2750, मगर बिना बताए कि शादी तो होगी पूरी वसूली। देखिए पूरी डिटेल के साथ, पेंशन मिलेगी 2750 ही जो सबको मिलती है और दूसरी पेंशन की तरह ही। सरकार ने यह बताया कि तलाकशुदा जिनकी तलाक हो गए हैं, डिवोर्स डिवोर्सी हैं जो, वह सहमति संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तलाकशुदा व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी जाएगी, बड़ा झटका दिया है डिवोर्सी लोगों को। जो डिवोर्स में रह रहे हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है तलाक हो गया है, उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो रिलेशनशिप में रह रहे थे और अब वो रिलेशनशिप उनकी अगर टूट गई है तो भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। या कुंवारों की कह लो, रिलेशनशिप में किस्म का कुंवारापन नहीं होता है, कुंवारे एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर कोई पात्र पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पेंशन योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे इसके लिए भी सरकार ने कुछ ठोस नियम बनाए हुए हैं। ठीक है, कुंवारों और विधवाओं की पेंशन के लिए हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, उसकी भी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा। गजट पेश कर दिया गया, इसका एक गजट होता है, जो कोई भी योजना लागू करती है उसका गजट होता है। ठीक है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा। अधिसूचना के जरिए सरकार ने बताया कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे व विधुर ने सरकार को बताए बिना शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से सरकार पेंशन की राशि को 12% ब्याज के साथ वसूलेगी। ये ध्यान देने वाली बात है बड़ा। अगर कोई कुंवारा ने अपनी पेंशन को लगवा लिया और बाद में उसने शादी कर ली और पेंशन लेता रहा, और कोई अगर विदुर है उसने भी अगर दूसरी शादी कर ली और पेंशन लेता रहा तो उससे 12% ब्याज के साथ सारी पेंशन को वसूला जाएगा। ठीक है, हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। माह के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करेगा। अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन आईडी बन जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उसे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा, 10 तारीख तक सभी पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद उनके खातों में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत 1 जुलाई से लागू की गई है। पेंशन के पात्र विधवाओं की उम्र 40 साल, परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और कम से कम वह 1 साल से रह रहा हो, यह होना जरूरी है। अच्छा, जो कुंवारा पेंशन है, 45 से 60 वर्ष की अविवाहित महिला हो या पुरुष हो दोनों को पेंशन मिलेगी। इनकी वार्षिक आय को 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इन सभी को हर महीने 2750 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा और 60 साल जब उम्र पूरी हो जाएगी तो उनको बुढ़ापा पेंशन में बदल दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 2 हफ्ते पहले राज्य के अविवाहित और विधवाओं के लिए 2750 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। हरियाणा में 71,000 अविवाहित और विधुर हैं। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे सरकार के बजट पर हर साल 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। तो ये नियम और शर्तें इसके बता दी मैं आपको, इसके जो नोटिफिकेशन जो गजट पेश किया उस पर भी मैं आपको ले चलता हूं। तो ये देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ये 19 जुलाई को पेश कर दिया गया है, वेडनेसडे 19 जुलाई को। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास एंड एंटोन डिपार्टमेंट है ये, उसके द्वारा ये
जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, वही बताया था, जो भी डोर है 40 साल, 3 लाख इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल बना होना चाहिए उसका, पिछले 1 साल से वो यहाँ पर रह रहा हो। लिव एंड रिलेशनशिप एंड डिवोर्सी, व्यक्ति को पेंशन नहीं दी जाएगी, नॉट एलिजिबल, ये ध्यान देने वाली बात। डिवोर्सी हो, डिवोर्सी सारे खुश हो रहे थे कि हमें भी पेंशन मिलेगी, लेकिन नहीं, डिवोर्सी को यहाँ बड़ा झटका मिला है। अनमैरिड पर्सन का देखिए, 45 साल उम्र उससे ज्यादा, ठीक है, इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए उसका, और 1 साल कम से कम वह हरियाणा में रह रहा हो। 2750 रुपये मिलेंगे, जैसे दूसरी पेंशन मिलती है उसके हिसाब से बढ़ते भी रहेंगे। जब उम्र 60 साल की हो जाएगी तो बुढ़ापा पेंशन में उसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दूसरी पेंशन अगर ले रहा है किसी डिपार्टमेंट से, तो भी उसकी पेंशन यहाँ पर नहीं लगेगी। दोनों पेंशनों के बारे में यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अगर कि कोई झूठ बोलकर पेंशन लेता है तो 12% के हिसाब से उसे चार्ज लिया जाएगा, जो साल का 12% बनेगा टोटल उसकी जो पेंशन उसने ले ली है। अगर अविवाहित और विदुर है जो दोबारा शादी कर लेते हैं और पेंशन नहीं कटवाते हैं, तो उनसे 12% के हिसाब से चार्ज लगाकर सारी पेंशन वापस ले ली जाएगी, ठीक है। और जो ये एलिजिबिलिटी है, वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही ये पेंशन बनेगी, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो अनमैरिड व्यक्ति हैं 45 से 60 वाले, वो अपनी फैमिली आईडी में अनमैरिड कर लें अगर नहीं है तो, और जो विदुर हैं वो अपने वहाँ पर विडोवर अपनी फैमिली आईडी में कर लें, अपना खाता नंबर अपडेट रखें, और ये जो मैरिड स्टेटस है उसका वहाँ पर विडोवर कर लें, तो उनकी पेंशन का जो लग जाएगी डाटा के अनुसार, क्योंकि गवर्नमेंट परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही डाटा उठाएगी, जिसका डाटा सही होगा उसके खातों में पेंशन ढलनी शुरू हो जाएगी। प्रोसेस मैंने आपको बताया ही था, एवरी 10 जो 10 तारीख है वहाँ वो SCBC वेलफेयर डिपार्टमेंट में सारी लिस्ट को भेजा जाएगा, ये सारा वही यहाँ पर लिखा हुआ है गजट में, ठीक है। और इसमें कुछ नया नहीं लिखा है, वो मैंने आपको वहाँ पर बता ही दिया है। यहाँ पर बाकी के आप टर्म कंडीशन भी पढ़ सकते हैं इसके सारे, वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाकी के रह गए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सारे के सारे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन जो मेन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही थी कि जो डिवोर्सी है उनको बड़ा झटका दिया गया है, उनके लिए पेंशन नहीं है, ठीक है। जो अविवाहित है, महिला और पुरुष दोनों को पेंशन 45 से 60 साल के बीच में, और जो विदुर हैं वो 40 से 60, इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो अनमैरिड है 45 से 60, उनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि हरियाणा सरकार ने इसका भी गजट कर दिया है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं पेंशन के लिए, और डिवोर्सी को झटका दिया गया है इसमें। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।